ये क्या नहुसत फैलाई हुई है तुमने? ये किसकी मौत का शोक मना रही है? लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक ठिकाने पे नहीं पहुंचा। आप जो करना चाहती थी वो आप कर चुकी, अब और क्या चाहती हैं आप मुझसे? यही कि समीना आप और फारिस को अगर तुम्हारी किसी भी हरकत से जर्रा बराबर भी शक हुआ, क्या तुम्हारी बेवकूफी की वजह से खुदा ना खास्ता ये रिश्ता अगर खत्म हुआ ना, तो मैं असद को भी बर्बाद करके रख दूंगी। मैं सजाद और अम्मा से जाके बात करती हूँ, लगामें डाल के रखें उस लड़के के ऊपर ताकि वो तुम्हें मजीद वरगला ना सके। ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बल्कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, असद का नाम किसी के भी सामने नहीं लेंगी। प्लीज ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी और खुशी से निभाओगी और असद के बारे में आइंदा कभी नहीं सोचोगी, समझी? अब जो कहेंगी जैसा कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब असद को कुछ नहीं कहेंगी, किसी के सामने असद का नाम तक नहीं लेंगी। नाम भी मत लेना अपनी जबान से उसका। मोहित कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। जी वो यूनिवर्सिटी के बाद एक दोस्त की तरफ चला गया था। लेकिन अपना फोन तो ऑन रखो, कब से मैं कॉल कर रही हूँ तुम्हारा फोन ही ऑफ है। सॉरी मामा, पता नहीं चला मुझे कब ऑफ हो गया। ठीक है, तुम जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस कमरे में जा रहा हूँ। मोहित मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज मैं अभी मुकद्दस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, कमरे में जा रहा हूँ। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं कर सकती, शिराज भाई घर में मौजूद है, ऐसा ना हो कि वो ऊपर आ जाए तो मैं देख ले। अच्छे अच्छा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मल मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे बस तुमसे बात करनी है। घर में सबको हमारे बारे में पता चल चुका है और मैं नहीं चाहती कि अम्मी सजा जाए तुझसे कोई बात करे, इसलिए बेहतर है कि तुम कर रहे हैं आपको? हाँ? क्या? मैं सिर्फ अमल से बात करने आया था। बात करने आया था? शराज इसे छोड़ दो। चुप। शराज इसे छोड़ दो। एकदम चुप हो जाओ तुम। छोड़ो इसे। चुप। बहन से मिलने आएगा। शराज। तरफ। शराज इसे छोड़ दो। बड़ी हिम्मत हो गई है। मैं? शराज छोड़ दो इसे। मैं चुप तो? इंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। शराज मना किया था, मैंने तुम्हें मना किया था कि अमल के करीब भी मत भटकना, फिर भी तुम्हारी हिम्मत हुई ना यहां आने की।
आइंदा आके दिखाऊंगी। ऐसा हशर करूंगी ना तुम्हारा कि सारी जिंदगी याद रखूंगी। अगर मेरी बेटी की इज्जत की आंच पे इतना सा भी हर्फ आया ना, तुम वो किसी को दिखाने के काम